हर संडे के संडे आप देखते होंगे पानी से पैसा, किस तरीके से बिना मशीनों के आप जो है ना अपने घर क्षेत्र में रहके गांव परिवार में रहके कमा सकते हैं। ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 10 से 20 हजार में शुरू हो जाते हैं और कुछ भी ऐसी लागत नहीं आती है, सारा खेल पानी का है, मीठे पानी का है। देश भर से यहाँ लोग पधारते हैं और आप भी आइए, नौकरी के पीछे ना भाग के आप जो है ना खुद का मालिक बनिए। मैं मध्य प्रदेश से इंदौर से आया हूँ जी। मेरा नाम मोहन सोनी है और मैं एक पेट से विकलांग भी हूँ जी। और मैं पिछले सितंबर में मैंने टिकट भी करवा लिया था, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं नहीं आ पाया। इस बार आया हूँ, साथ में अपने बालक को बुलाया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने लिए तो ठीक है, मैं अपने बालक के लिए जाता हूँ। ये आपसे जुड़ के भविष्य में कुछ करें। चलिए सर, पूरी हेल्प होगी, आप टेंशन मत लो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या और कहाँ से आया? मेरा नाम अर्पित है, मैं पापा के साथ इंदौर से आया हूँ और यहाँ आके मेरे को ये सब आइटम बनाते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। और मैं एक नहीं, इससे दो पॉइंट बनाना चाहता हूँ, एक जगह मैं पापा करे और एक जगह मैं खुद डेवलप करूँ और मेरे पापा का सपना साकार कर। आपका सपना साकार होगा, मैं पूरी हेल्प करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आपके साथ में मैं नहीं, पूरा हमारे साथ में जो भी लोग हैं सब लोग आपके साथ में आएंगे और इन्हीं लोगों के लिए काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए। मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं लेडीज को इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, जिससे उनको घर में ना बैठी रहे, उनको इंडिविजुअली आपका सोर्स ऑफ इनकम मिले। क्योंकि जो घर में लेडीज रहती है कि पैसे के लिए, कभी कभी होता है कि हस्बैंड लोग नहीं उनको करते, सपोर्ट करते हैं, तो सब लेडीज को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना सेल्फ डिपेंड हो, आत्मनिर्भर बने। हाँ, जब इसको आप मिलाएंगे और मिलाते जाएंगे अब ये क्या बन गया जी? अब तो कुछ और ही बन गया। 4 बजे आप ये तो प्रोडक्ट तो मेरे 3:30 बजे ही हो जाएंगे, फिर मार्केटिंग बैंकिंग नमस्कार, मैं आपका साथी योगेंद्र चौधरी, काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर संडे के संडे आप देखते होंगे पानी से पैसा, किस तरीके से बिना मशीनों के आप जो है ना अपने घर क्षेत्र में रहके गांव परिवार में रहके कमा सकते हैं। ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 10 से 20 हजार में शुरू हो जाते हैं और कुछ भी ऐसी लागत नहीं आती है, सारा खेल पानी का है, मीठे पानी का है। देश भर से यहाँ लोग पधारते हैं और आप भी आइए, नौकरी के पीछे ना भाग के आप जो है ना खुद का मालिक बनिए। और हमेशा हम जो है जो बिजनेस होता है आपका पैदाइशी बिजनेस होगा और आने वाले समय में आप जहां से भी इसकी खत्म करेंगे वहीं से आपके बच्चे शुरुआत करेंगे। बारी बारी बात करवाना चाह रहा हूँ, काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार बहुत सारे जिलों में, देश भर में लगातार एक्टिविटी चल रही है, बहुत सारे जिलों में हमारी एक्टिविटी चल रही है। आत्मनिर्भर भारत यात्रा देखी होगी आपने, पूरे देश भर में 5 लाख रोजगार पैदा करने का हमारा लक्ष्य है, जिसकी कड़ी में काव्य फैमिली की शुरुआत हो चुकी है। अभी आप गूगल से भी आप देख सकते हैं kavyafamily.com आप कर सकते हैं और पूरी तरीके से हम लोग बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी के पीछे ना भाग के अपना खुद का रोजगार शुरू करें। बात करवाता हूं देश भर से आए लोगों का और इसकी चीज बता देता हूं, 3100 रुपए फीस होती है, हर संडे के संडे होती है, जिसमें खाना नाश्ता डिप्लोमा सर्टिफिकेट बुकलेट और रात में रुकने की व्यवस्था सारी चीजें मिलती है। क्या नाम है सर, कहाँ से आए आप? सर हमारा नाम सतीश यादव है और हम यूपी आजमगढ़ से हुआ है। क्या कहना चाहेंगे और सर क्या लगा आपको? आज हमने यहाँ पर ट्रेनिंग जो लिया है उससे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और जाकर के फिर हम अपने क्षेत्र में अपना काम शुरू करेंगे। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? लोगों के लिए यही है कि यहाँ पे बढ़िया ट्रेनिंग दी जाती है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के सीख करके स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर भारत के लिए ये अपना योगदान जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका नाम क्या और कहाँ से आया? मेरा नाम हरीश है, मैं राजस्थान से हूँ, चूरू जिले का। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और बहुत बढ़िया से ट्रेनिंग दी है भैया ने और सभी बुकलेट में लिखा होता है, कोई प्रकार का डाउट नहीं रखते हैं, वैसे बहुत अच्छा काम है और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा योगदान जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका नाम क्या और कहाँ से आया? सुरेंद्र कुमार, मैं जिला गाजीपुर पूर्वांचल से आया हूँ। सर यहाँ आने के बाद ट्रेनिंग में बहुत अच्छा लगा है। सर हम यही कहेंगे सभी लोगों से कि जो भी आए यहाँ ट्रेनिंग लें, अच्छी है और हर तरह से भैया मदद भी करते हैं जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका नाम क्या और कहाँ से है? मैं संजय कुमार, मेरा नाम है, मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ जी।
और आपने जो ट्रेनिंग दी है बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, और इसमें कोई भी डाउट जो थे हमारे दिल में जो आपने वो क्लियर किया है, और एक बहुत अच्छा कदम है एक आत्मनिर्भर बनने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? मेरा नाम राजू दास है, आसाम से हूँ। आपका ट्रेनिंग लिया तो है, लेकिन मेरे ख्याल से वो अच्छा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या, कहाँ से आए? मेरा नाम कृष्णा है, मैं जम्मू से आई हूँ। जो भी ट्रेनिंग लिया बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा लगा मुझे जहाँ से आके। काफी दिनों से मैं फॉलो कर रही थी आपको, और अच्छा लगा मुझे जहाँ पे आके। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगी कि जो भी ऐसे बेरोजगार है वो जहाँ पे आए, भैया हर तरफ से मदद करते हैं, और मतलब कि अपना काम खोलें वो। ये महिलाएं जो है ना, अगर इस फील्ड में आ जाती हैं तो घर घर आप सोच सकते हैं कि मरेंगे जब तक सप्लाई होती है, और हर घर में डेली चाहिए, और इसकी कोई ऐसी एक्सपायरी डेट तो है नहीं है। महिलाओं को आना बहुत जरूरी है, किसी भी क्षेत्र से आ सकती हैं, यहाँ पे आ सकती हैं, नहीं आ सकती तो ऑनलाइन कोर्स भी ले सकती हैं, उसकी फीस 1500 रुपया। और कह सकता हूँ कि देखिए, हर क्षेत्र में अगर ये छोटे छोटे रोजगार अगर घर में महिलाएं शुरू कर दें तो 15 से 20 हजार, 25-30 हजार रुपया कहीं नहीं छोड़ेंगी अपने क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या, कहाँ से है? नमस्कार, मेरा नाम विशाल ठाकुर है, मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड से। एक्चुअली मेरे पापा देखे थे वीडियो, मेरे को बहुत दिन से बोल रहे थे कि बिजनेस में थोड़ा ध्यान दो, तुम्हें काफी करके मैं जॉब में ध्यान दे रहा था, तो मैं पापा बोले कि चलो देख लो एक बार कैसा है कैसा नहीं। फर्स्ट टाइम में बिजनेस, और छोटे उम्र में 19 साल हो रहा है, छोटे उम्र में फर्स्ट टाइम में बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप नौकरी की क्यों नहीं सोच सकते? नौकरी की सर, नौकरी में मतलब दूसरे के नीचे काम करना पड़ता है, वो हमको पसंद नहीं है। प्लस ये बिजनेस हमको खुद के पैर पे कुछ करके दिखाना है। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो या कहीं भी काम कर रहे हो, आपका पैर कट जाता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बाई दबे, कुछ भी हो सकता है, तो वो आदमी आपको काम पे रखेगा नहीं रखेगा? बिजनेस में आदमी कभी भी रिटायर होता ही नहीं है। एमडीएच वाले को आप देख लो, कभी रिटायर हो ही नहीं सकता। जहां से आप खत्म करेंगे वहीं से आपके बच्चे शुरुआत करेंगे। आत्मनिर्भर बनिए, किसी के नौकरी करने से अच्छा है कि एक छोटा सा पौधा लगा लो, रोजगार का पौधा, जिससे आपके परिवार को भी रोजगार मिलेगा, आपको स्वयं को रोजगार मिलेगा, और आने वाले आपके क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या, कहाँ से आया? हमारा नाम राजेश महतो है, बिहार समस्तीपुर से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे यही कि बहुत ही अच्छा चीज है, यहाँ पर आके ट्रेनिंग लेना चाहिए, और मजदूर जो व्यक्ति एक दूसरे स्टेट से जाकर स्टेट में जो काम करता है, मजदूरी करता है फैक्ट्री में या किसी जगह, तो वो 20,000-18,000 पाता है, ठीक है, लेकिन वो साल का 12 महीना का जोड़े तो वो 20,000 अगर मिल रहा है हमें, तो वो आकर 12,000-14,000 पर पड़ जाता है। इससे अच्छा है कि ये काम करे, उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अपने परिवार में, अपने परिवार में मिलकर गांव में रहकर क्षेत्र में रहकर काम करेंगे, और अपने परिवार को सबसे बड़ा रोजगार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या, कहाँ से है? संजय बिन ठाकुर है, मैं झारखंड बोकारो सिटी से बिलोंग करता हूँ। सर मैं ये आपका यूट्यूब में देख करके मैं आया हूँ, और मुझे आने से बहुत अच्छा भी लगा, और आगे भविष्य में कुछ कर सकता हूँ, और गांव घर में भी रहकर परिवार के साथों में रह करके मैं ये अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या, कहाँ से है? सर मेरा नाम शिव कुमार है, मैं मुरादाबाद से आया हूँ। बहुत अच्छा लगा ट्रेनिंग लेकर, बहुत दिनों से सोच रहा था यहाँ को आने को, और टाइम निकाल रहा, बहुत अच्छा लगा ट्रेनिंग। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या, कहाँ से है? मेरा नाम पी सिद्धा है, आंध्र प्रदेश से, कड़पा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। बहुत दिन से यूट्यूब फॉलो कर रहा था, यहाँ से ऑलरेडी पहले से भी आरपी त्रिपाठी बोल के एक आदमी इधर ट्रेनिंग किया था, वो मेरे को सोल्यूशन आए थे। हाँ, इधर अभी ट्रेनिंग किया, प्रैक्टिकली देखने से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है बोल के आया, यहाँ आने से बहुत अच्छा लगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जी, और कह सकता हूँ कि देखिए 8 मिनट की वीडियो बनती है, उसमें सारे 8 घंटे का ज्ञान नहीं मिल सकता। जो चीजें बैठ के, जो चीजें प्रैक्टिकली हो सकती हैं, वो कितना टाइम, कितने केमिकल को, कितने सारी चीजें बनाने में लगता है, वो सारी चीजें समझ सकते हैं, आ सकते हैं, देश भर से आ सकते हैं, ऐसी कोई सर्दी नहीं पड़ रही है, बहुत सारी संख्या में आ सकते हैं। हर संडे के संडे होती है, आप हर संडे के संडे वीडियो देख सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे वो, यहाँ की कॉन्फिडेंस बढ़ गया प्रैक्टिकली देखने से। जी मतलब क्या हो सकता है, क्या बेनिफिट है प्रैक्टिकली देखने, इसलिए मैं ऑनलाइन को भी इतना इंटरेस्ट नहीं रखा, मैं प्रैक्टिकली देखना चाहा,
मेरा तो 2 दिन आने का, 2 दिन जाने का, 4 दिन है। तो कितनी बड़ी मेहनत होती है और फिर मेरी तरफ से कितनी संतुष्टि लेके जा रहे हैं आप। रात में 11 बजे भी फोन रिसीव कर रहा, वो उसके लिए हम बहुत बड़ा थैंक्स बोल रहे, क्योंकि बाहर से आते यहाँ के जगह भी पता नहीं चलता हमको, किसी को बोल भी नहीं सकते कौन सा जगह है बोल के। फिर भी रात रात को कोई रुकने का पैसा दिया आपने? नहीं, कुछ नहीं दिया। अच्छा, कितने लोग रात में रुके थे? कोई पैसा वैसा तो नहीं दिया किसी ने? सारी व्यवस्थाएं होती हैं, देश भर से आइए, विदेश से अभी आइए और रात में आइए, हम तो पूरी रात जगते हैं। चाहे 11 बजे फोन करिए सैटरडे वाले दिन, चाहे 2 बजे करिए, जैसी जिसकी ट्रेन जैसे आ रही है वो वैसे ही तो फोन करेगा। हाँ, रात में 12 बजे भी आप बढ़िया रेस्पॉन्ड हुआ, लार्ज में पहुंचने टाइम तक। थैंक यू भैया, आप हमारे भरोसे आ रहे हो, हम आपके लिए नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या और कहाँ से है? हमको नाम संतोष कुमार है, हम गया जिला बिहार से बिलोंग करता हूँ और हम 2 महीने से करीब सोच रहे थे। दशरथ कुमार जी ऐसे बोल दो पहले। दशरथ कुमार जी, और मैं 2 महीने से करीब देख रहा था वीडियो और फोन भी किया था करीब 1-2 बार तो, और ऐसे अभी जॉब कर रहे थे भीलवाड़ा में, तो अभी डिप्टी से इधर चले आया हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द काम शुरू करूँ और लोगों के लिए अच्छा है कि इधर आए और सीखे और काम शुरू करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय राठौर है, मैं यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट इटावा से। मैंने काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट का वीडियो देखा था, तो काफी समय से सोच रहा था आपसे मुलाकात हो जाए, तो आज सर वो समय मिला, प्रैक्टिकली यहाँ पे आके सब चीज देखा। एक चीज सही है, जो चीज वीडियो में देख सकते हैं, पूरा ज्ञान तो आपको वीडियो में नहीं मिल सकता, आपको प्रैक्टिकली आके यहाँ पे देखना पड़ेगा और उसके बाद ही आप एक अच्छा सुंदर रोजगार। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए तो सर मैं अपनी तरफ से एक बार जरूर कहना चाहूंगा, जो चीज जो वीडियो देख रहे हैं एक बार उनको प्रैक्टिकली आके यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि तभी आप समझ सकते हैं कि कितना सच्चाई है। जो चीज वीडियो पे देखा तो वही यहाँ के हमको मिला। नौकरी के पीछे ऐसे भाग रहे हैं, ट्रक भर लो एक गांव में कितने भी। देखिए सर, नौकरी के पीछे हर व्यक्ति भाग रहा है। पहला तो ये है कि इंसान को पूरा जानकारी नहीं है, और अगर वो सोचता भी एक बिजनेस करें तो किस चीज का करे, कैसे करे, तो जब तक सही ज्ञान नहीं होना सही मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए व्यक्ति नौकरी की तरफ ज्यादा भाग रहा है। अगर उसको सही बिजनेस का ज्ञान होगा तो बिजनेस की तरफ भागेगा। सरकार बहुत सारी चीजें दे रही है, सरकार बहुत सारी छूट दे रही है कि भाई तुम आओ, इसलिए आओ क्योंकि नौकरियां सरकार के पास भी नहीं है, क्योंकि आप अगर खुद का रोजगार लगाओगे तो सबसे बड़ा तो फायदा अपने परिवार को ही रोजगार मिल रहा है, दूसरा आपके साथ जितने भी लोग जुड़ेंगे, जितने भी लोग आपके काम करेंगे उन सबको रोजगार मिलेगा। कहने का मतलब है एक रोजगार जहाँ पैदा होता है तो 10-20 लोगों को तो रोजगार मिलेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, इससे आदमी देखो अपना क्या है, खुद का रोजगार भी रहेगा और उसके परिवार में जो भी 3-4 सदस्य हैं वो भी इसमें जुड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी सरकारी आदमी है तो वो सरकारी आदमी खुद ही तो नौकरी लग रहा है, उसका पूरा परिवार सरकारी नौकरी। नहीं नहीं, वो तो अपना अकेले ही कमाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या और कहां से है? सर मैं मध्य प्रदेश से इंदौर से आया हूं जी। मेरा नाम मोहन सोनी है और मैं एक पेड़ से विकलांग भी हूँ और मैं पिछले सितंबर में मैंने टिकट भी करवा लिया था लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं नहीं आ पाया। इस बार आया हूँ, साथ में अपने बालक को बुलाया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपने लिए तो ठीक है, मैं अपने बालक के लिए जाता हूँ। ये आपसे जुड़ के भविष्य में कुछ करें। चलिए सर, पूरी हेल्प होगी, आप टेंशन मत लो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या और कहाँ से है? मेरा नाम अर्पित है, मैं पापा के साथ इंदौर से आया हूँ और यहाँ आके मेरे को ये सब आइटम बनाते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा और मैं एक नहीं इससे 2 पॉइंट बनाना चाहता हूँ, एक जगह मैं पापा करे और एक जगह मैं खुद डेवलप करूँ और मेरे पापा का सपना साकार कर। आपका सपना साकार होगा, मैं पूरी हेल्प करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आपके साथ में मैं नहीं, पूरा हमारे साथ में जो भी लोग हैं सब लोग आपके साथ में आएंगे और इन्हीं लोगों के लिए काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। आप जैसे मतलब जी, कहाँ से आए, क्या नाम है? मेरा नाम हरजीत सिंह है, पंजाब से आएंगे से जी। हाँ जी, तो आज जैसे ट्रेनिंग लगी है तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस लगा, बड़े लो बजट में जैसे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया सपोर्ट है, बहुत सारी ट्रेनिंग देती है, तो बाकी और प्रबंध भी बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा बढ़िया तुमने समझाया है, तो बहुत बढ़िया अपने छोटे लेवल पे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका नाम क्या और कहाँ से आए? मेरा नाम रंजीत सिंह, मैं पंजाब गुरदासपुर से आया हूँ जी। और आपके जो 10 क्लिन पढ़ाया था उसके बारे में नॉलेज, पहले मैं आपकी वीडियो देखता रहता था और जैसा आपने वीडियो में बताया वैसा ही बिल्कुल आपने माल तैयार किया और ब्रांड की क्वालिटी के हिसाब से
और अपनी क्वालिटी के हिसाब से ऊपर नीचे पेड़ के हिसाब से कर सकते हैं, प्लस पॉइंट है। और आपकी तरफ से जो गवर्नमेंट की जो जितनी फैसिलिटी है वो आपकी तरफ से प्रोवाइड कर रही है, इसके लिए धन्यवाद। जी जी बहुत बहुत जी बताइए। जो आपने गवर्नमेंट की फैसिलिटी बताई है उसकी उसकी आपकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना करना तो चाहते हैं शुरू, लेकिन उनके पास सपोर्ट नहीं रहती। जहाँ बिजनेस में पहले लॉस हुआ होता है, जहाँ मतलब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी सही नहीं होती, तो जो आपने बताया चीज काफी अच्छी है, बंदा सोच सकता है मतलब। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक गहलोत है और मैं पाली राजस्थान से हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप आओ और सर बहुत अच्छा ट्रेन करते हैं और अपने अपने बिग ड्रीम खुद पूरे करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या और कहाँ से है? सर मैं श्रुति गाजियाबाद से आई हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी तरह बताया और ठीक है, मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगी। ऑलरेडी मैं एक बिजनेस रन कर रही हूँ। आप नौकरी की तरफ क्यों नहीं भाग रहे? बिजनेस की तरफ नहीं नहीं, मैं ऑलरेडी एक बिजनेस पिछले 8 साल से रन कर रही हूँ। आई एम मेकअप आर्टिस्ट, मेरा ब्यूटी पार्लर है गाजियाबाद में। जी जी, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं लेडीज को इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, जिससे उनको घर में ना बैठी रहे, उनको इंडिविजुअली आपका सोर्स ऑफ इनकम मिले। क्योंकि जो घर में लेडीज रहती है कि पैसे के लिए, कभी कभी होता है कि हस्बैंड लोग नहीं उनको करते सपोर्ट करते हैं, तो सब लेडीज को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना सेल्फ डिपेंड हो, आत्मनिर्भर बने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या और कहाँ से आए सर? मेरा नाम जाहिर खान है और मुरादाबाद से आया हूँ। जी मेरा यानी आपके सभी दर्शकों से यही यानी अनुरोध है, कहना है कि ये प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छी तरह से आप बना रहे हैं और समझ में भी आसानी से आ जाता है लोगों के, मगर इसमें एक दिक्कत आएगी, वह दिक्कत यह है कि अगर आप पानी से पैसा कमाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट आपका जो है मार्केट में कम सप्लाई होगा, जब तक आप जो है कोई कंपनी नहीं बनाएंगे या फर्म नहीं बनाएंगे। यानी अच्छे लेवल पर काम करने के लिए आपको जो है पैसा खर्च करना होगा लगभग 1-2 लाख रुपए, उसके बाद ही आपका बिजनेस यानी सही तरह से चल सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर से पधारे सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। काव्या फैमिली जो है पूरे देश भर में हम लोग तहलका मचाने वाले हैं और बहुत जल्दी बड़ा नाम कमाने वाले हैं। आप सबका सहयोग है इसमें। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहिए। हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, भारत माता की, भारत माता की। वीडियो को आप जरूर शेयर कर देना, क्योंकि यही ऐसी आवाजें होती हैं जो लगातार हमारी देश भर में आप ही लोग पहुंचाते हैं। आपका मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ इस चीज के लिए। और लगातार वीडियो को आप शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए अगर नए तो। सभी का मैं स्वागत बार बार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।